नमस्कार जी, बउआ की आवाज सुन रहे हैं आप और स्क्रीन वाला चैनल देख रहे हैं आप एक और एपिसोड में। वेलकम, क्या हाल है बउआ भाई? कुछ नहीं भाई साहब, उड़ती गाड़ियां, गिरती ट्रेन, हाईवे पर रेस, कार का चेज, मुंह पर मुक्का और लात, टॉम क्रूज भाई, क्या बात क्या बात क्या बात। जी हाँ बउआ भाई, देख कर आ रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 पार्ट 1 डेड रेकनिंग IMAX में। 3D वाला चश्मा इस बार नहीं था क्योंकि 3D में आई नहीं है, 2D में देखा है बउआ ने। काश कि इसको 3D में रिलीज किया जाता। अगर एक्शन फिल्म में कैसी बनानी है सीखना तो टॉम क्रूज भैया से सीखो, जो बाय द वे 60 के हो चुके हैं। जी हाँ, डेंटिंग पेंटिंग देखने में लगता है क्या? नहीं ना, इस मूवी में उनके सारे एक्शन सीन्स उन्होंने खुद किए हैं। इस उम्र में जब आधों के घुटने चटक जाते हैं, ये भाई साहब पहाड़ से बाइक लिए छलांग मारते हैं, डेजर्ट में पैदल भाग रहे हैं, बिल्डिंगों से कूद रहे हैं, ट्रेन के छत पर लड़ रहे हैं, मतलब वो सब काम कर रहे हैं जिसको देखकर बुमराह को ट्रोल करने का मन करता है कि बुमराह भाई अब तो टीम में वापिस आ जाओ। खैर मूवी पे आते हैं तो देखो, ऐसी फिल्मों से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, ये हर उस एक्सपेक्टेशन को पार कर देती है। कहानी की बात करूं तो देखो कुछ ऐसा नहीं है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक मिशन है, एक जासूस है, एक थ्रेट है, उसको नहीं रोका गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। एक से बढ़कर एक विलन है, एक से बढ़कर एक लोकेशन है, ग्रेविटी को मुंह से चिढ़ाते एक्शन है, और उसी के बीच टॉम क्रूज है जो अपनी एज से कम लोगों को भी ये बता रहे हैं कि खुद को फिट रखो, डंबल वंबल मारो बे। अब स्टोरी इतनी सिंपल और प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी एग्जीक्यूशन लेवल पर फिल्म खेल जाती है, अच्छा खासा खेलती है। टॉम क्रूज के एक्शन इतने लाजवाब है कि देखकर यकीन नहीं होता कि इस फिल्म में VFX की जगह प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से सीन्स बनाए गए हैं। मिनिमल VFX और CGI और मैक्सिमम रिटर्न। इसके सीन्स हम आपको क्या ही समझाएं, कुछ का रेफरेंस देता हूं। इसमें एक कार चेस सीन है, कैमरे से लेकर स्लोमो तक बेहतरीन यूज किया गया, मजा आ जाएगा देखकर। एक ट्रेन फाइट सीक्वेंस है, देखकर लगता है कि कैसे किया होगा इसको भाई, कैसे। एक एयरपोर्ट वाला सीन है, सारे नाखून आप थिएटर में ही चबा जाओगे भैया, मतलब सस्पेंस के साथ थ्रिल और एक्शन का जो कॉकटेल इसमें बनाया गया मजा आ जाता है। महंगा टिकट होने का पहली बार अफसोस नहीं हो रहा था, पहली बार मन किया कि पॉपकॉर्न ले लिया जाए। जिस लेवल का इस फिल्म को बनाया गया है और जिस लेवल का इसे शूट किया गया है लाजवाब है। ट्रेन वाले सीक्वेंस में जब बोगी बाय बोगी वो भागते हैं ना, स्वाद आ जाएगा। अब फिल्म आपको एंड में क्लिफहैंगर पर छोड़ जाती है इसके अगले पार्ट के लिए, क्योंकि फिल्म बनाने वालों ने विद्या रानी की कसम खा रखी है कि अच्छी बन गई तो 2 पार्ट तो लाएंगे, और वो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। खैर जाने का तो इसका भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, लेकिन बड़खा रानी ऐसी बड़े पड़ी बारिश हुई कि फिर घर से निकलने का हो नहीं पाया। अब क्या ये फिल्म उनको देखनी चाहिए जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल का एक भी पार्ट नहीं देखा है? तो जवाब है हाँ, देख सकते हैं। फुल एंजॉय वाले मजे के लिए पहले वाले कुछ पार्ट्स देख लेना, लेकिन इसके ओपनिंग सीक्वेंस से लेकर क्लाइमेक्स तक मजा ही मजा है। लेकिन ये फिल्म देखते हुए मुझे ध्यान आया कि भाई फिल्म देखने से पहले मैंने गूगल पर इसकी ऑफिशियल लेंथ देखी थी, 2 घंटा 43 मिनट। भाई पता नहीं चला टाइम कब निकल गया। हाँ, वो डायलॉग बाजी जब चालू होती है तो भाई ज्यादा बोर होने लगता है, मन में आता है कि यार इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, लेकिन स्टोरी को समझने के लिए वो डायलॉग्स भी जरूरी है। सुंदरता बिखेरने के लिए कुछ युवतियां भी हैं, उनको देखकर लगता है कि हाँ यार दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लेकिन फिर वो मारने पीटने लग जाती है, दिल वहीं टूट जाता है। सबसे ज्यादा मुझे इस बात को देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के यूज के बाद ऐसे ग्रैंड सेट्स पर सीन शूट किए गए जिसको करने से स्टंट मास्टर भी मना कर दे, लेकिन टॉम भैया ने क्रूज करते हुए उसको पूरा किया है कि नहीं। सब मिलाकर मजा आएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जॉन विक की तरह इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं है। वहां जॉन विक बाजी मार ले जाता है, लेकिन बड़े स्केल पर शूट करने के मामले में ये फिल्म आगे के डायरेक्टर्स को एक पाथ दिखाएगी, ये पक्का है। खैर आपने देखी या नहीं देखी कमेंट करके जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में जाना, कीवी ऐप का लिंक दिया है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, नॉलेज दिखाओ और पैसा ले जाओ, फ्री में क्विज खेलो। जी हाँ, अगर 10 बजे से पहले ये वीडियो देख रहे हैं सुबह के, तो 10 बजे इस कीवी ऐप पर हम लोग लाइव आएंगे। कल इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज का जो दिन का खेल खत्म हुआ ना, उससे जुड़े आसान से सवाल पूछेंगे। अगर मैच देखा है तो ठीक है, नहीं तो स्कोर कार्ड लेकर बैठ जाना कीवी ऐप पर, फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बदले में पैसा जीत सकते हो आप। मैच से जुड़े आसान से सवालों के ऐसे अनु में जवाब देने आज भी, कल भी, परसों भी, डेली सुबह 10 बजे जब तक इंडिया वेस्ट इंडीज टूर है, सुबह 10 बजे आपको कीवी ऐप पर हम लोग मिलेंगे लाइव क्विज के साथ, नॉलेज के साथ पैसा पाओ। डिस्क्रिप्शन में जाओ, कीवी ऐप डाउनलोड करो, और हाँ स्क्रीन वाला को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।